दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेट चार्ज इनवॉइस के बारे में। तो दोस्तों फ्रेट चार्ज इनवॉइस यानी कि जब हम हमारे कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो जो प्रोडक्ट है उस कस्टमर के जो डिलीवरी एड्रेस है वहाँ तक पहुँचाने में जो हमारा किराया लगता है वो किराया हम कस्टमर से लेते हैं, तो उसी का हमें फ्रेट चार्ज है जो कस्टमर से ले लेते हैं। तो दोस्तों अब फ्रेट चार्जेज यानी कि जो किराया भाड़ा लगा है उस सामान को डिलीवर करने में, तो वो कस्टमर से हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो जब हमने उसको गुड्स जो सेल किया था, जो सेल इनवॉइस हमने इशू किया था, उसी इनवॉइस पर भी हम उसको फ्रेट चार्ज ऐड कर सकते हैं, या फिर दूसरा हमें उसका स्पेशल एक फ्रेट चार्जेस का इनवॉइस बनाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों दोनों की अलग अलग कंडीशन होती है। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों बताएंगे, प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे भी हम फ्रेट चार्जेस इनवॉइस सेल इनवॉइस पर कैसे इशू करेंगे, तो उस पर जीएसटी चार्ज कैसे होगा, अगर हमें अलग से कोई सेपरेट फ्रेट चार्जेस का इनवॉइस बनाना पड़े तो उसकी एंट्री हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो सारा प्रैक्टिकल रहने वाला है, तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जो हमारे कस्टमर को सेल इनवॉइस इशू किया हुआ है उसको ओपन कर लेते हैं। जैसा कि हमने हमारा सेल इनवॉइस नंबर एक है, राजकुमार को हमने सेल किया हुआ ये प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट पे आप देख रहे हो केवल सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स ही लगा हुआ है। इस इनवॉइस पर हमने कोई अलग से फ्रेट चार्जेस नहीं लिया, यानी कि जो किराया भाड़ा बनता है उस कस्टमर का वो हमने इस इनवॉइस पे ऐड नहीं किया हुआ। तो अगर हमें इस इनवॉइस पर ही ऐड करना पड़े जब हम इनवॉइस को बना रहे होते हैं तो उसकी एंट्री हम किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों जब हम सेल की एंट्री करते हैं वो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें करनी है। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी यहाँ पर प्रोडक्ट आ गए, और उसके बाद में हमें यहाँ पर जो सीजीएसटी एसजीएसटी टैक्स है इसको एक बार हम यहाँ से हटा देंगे। अगर आपको इनवॉइस के ऊपर ही चार्ज करना है तो सभी एक्स्ट्रा लेज़र को हम हटा देंगे। अब यहाँ पर हमें एक फ्रेट चार्ज के नाम से लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा, तो एल्ट सी हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे। फ्रेट चार्ज के नाम से हमने लेज़र क्रिएट कर लिया, और इसका जो ग्रुप हम रखेंगे वो डायरेक्ट इनकम रखेंगे, और उसके बाद में डिटेल आएगी जीएसटी एप्लीकेबल, तो आपको इसको एप्लीकेबल रखना है। सेट जीएसटी डिटेल में आपको यहां पर यस करना है, और डिस्क्रिप्शन में आप यहां पर लिख सकते हैं फ्रेट चार्ज या फ्रेट एक्सपेंसेस, उसके बाद में एचएसएन कोड, और उसके बाद में जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रहेगी यहां पर हम टाइप करेंगे सेल टैक्सेबल। अगर हम ये लोकल के अंदर ही हमारा जो गुड्स है जो डिलीवर कर रहे हैं तो सेल टैक्सेबल रहेगा, अगर हम आउट ऑफ स्टेट कोई गुड्स को सेल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल को सिलेक्ट करेंगे। तो इसका जो रेट है 18% को हम सिलेक्ट करेंगे, और टाइप ऑफ सप्लाई में हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है सर्विस रखना है, गुड्स यहाँ पर नहीं करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब मान लीजिए जो कस्टमर का जो रेंट बना है वो 2500 यानी कि 2500 रुपये बना है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स और जो डिफरेंस है राउंड ऑफ हम कर देंगे 10 पैसे को, तो इस तरीके से ये इनवॉइस है जो तैयार हो जाएगा 35,870 रुपये का। अगर हमें इसको पूरा डिटेल के साथ देखना हो भी जो सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स हमने चार्ज किया है वो स्टॉक आइटम पर कितना हुआ है और फ्रेट चार्ज पर कितना हुआ है, तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर रिलेटेड रिपोर्ट्स पर, और उसके बाद में जीएसटी टैक्स एनालाइज इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो अलग अलग डिटेल आपके सामने आ गई है, फ्रेट चार्जेस और उसके बाद में ये तीनों के तीनों स्टॉक आइटम है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर इस 2500 रुपये के ऊपर 450 रुपये, और इस जो स्टॉक आइटम के ऊपर है जो इतना टैक्स है जो लगा हुआ है, तो यानी कि इसके अंदर 31,695 में ये 2500 रुपये ऐड हो चुके हैं, और 4175.10 रुपये का जो टैक्स बना है टोटल इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ऐड किए हुए हैं, तो ये 450 यानी कि फ्रेट पे भी ऐड हो गया है। तो हम इस इनवॉइस को एक्सेप्ट करेंगे। तो एक तरीका तो था मैंने इस सेल इनवॉइस के ऊपर ही लगा दिया। अब मान लीजिए आपने जो सेल इनवॉइस किया था उस पर आपने फ्रेट चार्ज ऐड नहीं किया, अब ऐड न करने का रीज़न कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए आप भूल गए हो या अभी तक आपको फ्रेट चार्जेज को जितनी जो फाइनल अमाउंट बनेगी वो आपको कन्फर्म नहीं थी, तो आपने सेल इनवॉइस पे इसको जो टैक्स है वो नहीं लगाया, तो हम यहाँ से इसको एक बार हटा देंगे। तो अगर आपको सेपरेट अलग से फ्रेट चार्जेस का इनवॉइस अगर आपको देना पड़े कस्टमर को तो वो हम कैसे देंगे,
तो सेल इनवॉइस तो हमारा एज इट इज बन ही जाएगा सिंपल सीजीएसटी एसजीएसटी टैक्स लग के, और उसके बाद में हमें अलग से फ्रेट चार्ज का इनवॉइस है जो तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए हम वाउचर पर जाएंगे, और वाउचर पर जाने के बाद हमें जो वाउचर है वो यहाँ पर सेल ही रखना है, और उस कंडीशन में आपको यहाँ पर जो मोड है वो चेंज करना पड़ेगा। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो नेम ऑफ आइटम आ रहा है, यहाँ पर हमें पर्टिकुलर लाना होगा। तो पर्टिकुलर लाने के लिए हम यहाँ से शॉर्टकट चेंज मोड को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एच शॉर्टकट इसकी की है चेंज मोड, और उसके बाद में यहाँ पर आपको अकाउंटिंग वॉइस तीन ऑप्शन दिखाएंगे। आइटम इनवॉइस को हटा देंगे और उसकी जगह अकाउंटिंग इनवॉइस को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे अकाउंटिंग इनवॉइस को सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पर देख रहे हो जो स्टॉक आइटम का नाम आ रहा था वो हट के अब पर्टिकुलर्स हो गया है, और हमें पर्टिकुलर ही चाहिए। तो उसके बाद में इनवॉइस नंबर आपका तीन बनेगा, क्योंकि दो इनवॉइस हम सेल के ऑलरेडी बना चुके हैं। और उसके बाद में पार्टी अकाउंट नेम, जिस कस्टमर का नाम था राजकुमार। और उसके बाद यहाँ पर अब हमें जो फ्रेट का लेजर हमने अभी क्रिएट किया था फ्रेट चार्ज के नाम से, उसको सेलेक्ट करेंगे, और 2525 रुपये का। और उसके बाद में यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स। तो इस तरीके से आप देख रहे हो इसकी जो अमाउंट है टैक्स की यहाँ पर नीचे ही बन जाएगी। अगर इस समरी को अगर आपको देखना हो डिटेल के साथ में, तो हम रिलेटेड रिपोर्ट्स पर जाएंगे, और उसके बाद में जीएसटी टैक्स एनालिसिस से क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो अलग अलग डिटेल आपको दिख जाएगी कि जो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ फ्रेट चार्ज की वो 2500 रुपये है, और जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस यानी कि जो जीएसटी की अमाउंट है वो 450 रुपये है। और इस वाउचर को हम यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। तो अब एक्सेप्ट कर दिया, अब इसका हम इफेक्ट देखेंगे भी हमारी जो GSTR 1 की जो रिपोर्ट है उस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो डिस्प्ले पर हम जाएंगे, GST रिपोर्ट पर हम जाएंगे, और GSTR 1 को ओपन करेंगे, तो उस पीरियड हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो B2B के अंदर आपको दो इनवॉइस है जो शो करने शुरू कर दिए। टोटल हमारे पास सेल के तीन वाउचर हो गए हैं, दो हमारे पास रियल्टी में सेल थे और एक वाउचर फेट का हमने बना दिया है। B2B पे ओपन करेंगे, राजकुमार है और वाउचर दो है, तो इसमें आप देख रहे हो एक जो इनवॉइस था हमारा सेल का था 29,195 रुपये का, और अभी हमने जो एक 2500 रुपये का जो फ्रेट का इनवॉइस बनाया वो भी अब इसके B2B के पार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली उस कस्टमर के, यानी कि जितना भी हमने उसे टैक्स के रूप में CGST और SGST लिया है उसका ITC हमारे कस्टमर को मिल जाएगा, यानी कि राजकुमार को मिल जाएगा। और ये डिटेल अगर हम HSN समरी में अगर हम जाके देखें, तो HSN समरी के अंदर आपको भी यहाँ पर ये डिटेल फ्रेट चार्जेस की शो करेगा, और ये आपको गुड्स की बजाय अब ये सर्विस में दिखाएगा, UKCS की नॉट एप्लीकेबल रहेगी। और इसकी जो टोटल वैल्यू 2950 रुपये है, और GST का इसका जो रेट है वो 18% है। तो इस तरीके से टैक्सेबल वैल्यू CGST और SGST अमाउंट आपको साथ में शो करेगी। तो अगर इसका हम इनवॉइस का प्रिंट प्रीव्यू अगर हम देखें, जो फ्रेट चार्जेस हमने अभी क्रिएट किया है, तो इसके प्रिंट प्रीव्यू अगर हम देखेंगे, जो कस्टमर को इनवॉइस हम देंगे तो ओपन करेंगे, एल्ट पी के साथ इसकी डिटेल हम देखेंगे, और प्रीव्यू अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से प्रीव्यू आपको इसका दिखाई दे देगा। अब इस मोड को हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे डिटेल पूरी देख रहे हो, बायर्स का नाम आ जाएगा और पर्टिकुलर में फ्रेट चार्जेज और HSN कोड वगैरह आ गया, और उसके बाद में इसकी जो अमाउंट है 2500 रुपये और CGST SGST के टैक्स के साथ। तो उसके बाद में इसकी जो टोटल समरी है टैक्सेबल अमाउंट की और CGST अमाउंट की और साथ में SGST अमाउंट की, यानी कि तो हम ये इस तरीके से एक सेपरेट इनवॉइस भी दे सकते हैं अगर आपने सेल इनवॉइस के ऊपर कस्टमर से फ्रेट चार्जेस नहीं लिया है तो। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।